सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड रिकी थापा जॉनजी लेक मिनिस्ट्री से। मैं स्पेशल नहीं, मैं जो कुछ करता हूँ वो कोई भी मसीहजन जो यीशु पर विश्वास करता है कर सकता है, और मैं यही बताऊँगा कैसे। आज हम बात करेंगे एक विषय पर जिसको मैंने नाम दिया है इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट, ये परमेश्वर का दोष नहीं है। अधिकतर तौर पर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हमारे संसार में कुछ बुरी बातें होती हैं, हमारे प्रिय मित्रों के साथ में, हमारे प्रिय फैमिली के साथ में जब कुछ घटनाएं घटती हैं, तो अक्सर तौर पर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी परमेश्वर को दोष लगाने से नहीं चूकते। हालांकि उनका दोष लगाने का तरीका कुछ अलग होता है, जैसे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, और क्योंकि ये घटना हमारे जीवन में घटी है तो जरूर इसमें परमेश्वर की कुछ योजनाएं होंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दोषी नहीं है। शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर दोषी नहीं है। जब आप किसी भी बात के लिए परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर ने अलाउ किया था, ये बीमारी परमेश्वर ने अलाउ किया था, ये दुर्घटनाएं परमेश्वर ने अलाउ की थी, तो आप हमेशा निराश होते हैं ये सोच करके कि आपके पास आशा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है और जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर के कारण हो रहा है, तो हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं वो परमेश्वर की ओर से, हम सोचने लगते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। हम अक्सर हर एक बुरी बातों के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इवन कलीसिया जाने वाले अच्छे विश्वासी भी परमेश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं, और जैसा कि पहले मैंने बताया कि हालांकि उनका दोष लगाने का तरीका कुछ अलग होता होगा, परंतु वो परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर आपके बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या परमेश्वर उन प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार नहीं जिसमें आपका परिवार जिसमें आपने अपने परिवार को खोया? क्या परमेश्वर आपके गरीबी के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या परमेश्वर आपके इस बंधुआई के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या परमेश्वर आपको गरीबी के द्वारा सिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या परमेश्वर आपको बीमारी के द्वारा सिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं? आखिर क्या सत्य है इस विषय में? यही आपको जानने की जरूरत है। परंतु इसको जानने से पहले आपको जानने की जरूरत है कि आखिर परमेश्वर की प्रभुता की, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, आखिर परमेश्वर की प्रभुता की परिभाषा क्या है। बेसिकली परमेश्वर की प्रभुता जिसको हम कहते हैं, वो इस शब्द में इसको परिभाषित किया जा सकता है कि संसार के बनाने वाले के पास अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से एक नियम को बनाकर इस संसार को चलाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया है और उस नियम के अंतर्गत वो खुद भी है और चाहता है कि मनुष्य जाति उस नियम का पालन करे। कई लोगों ने परमेश्वर की प्रभुता को संपूर्ण नियंत्रण समझ कर रखा है, और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में अलाउ करता है, तो आप उसको दोषी ठहराने लगते हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर दोष डालने लगते हैं। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि हालांकि हमारा दोष डालने का तरीका कुछ अलग होगा, परंतु हम इनडायरेक्टली रूप में परमेश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं। आए हम देखें उसकी सत्यता क्या है। हम एक वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ आप कृपया करके मती निकालें और हम मती के पुस्तक से देखेंगे कि आखिर इस वचन की सत्यता क्या है। आए मती 6 उसका 9-10 में इस प्रकार लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। जरा सोचे,
अगर परमेश्वर सब कुछ निरंतर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है तो भला यीशु हमें ऐसी प्रार्थना करना क्यों सिखाएगा कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी में भी पूरी हो। अगर वो सब कुछ नियंत्रण करता है तो परमेश्वर को खुद ही उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी कर लेनी चाहिए। यीशु ने हमें कहा है जाओ पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। जरा सोचे वो हमें ऐसी आज्ञा क्यों देगा। अगर उसने पूरे संसार में बीमारियां भेजी है, अगर उसने पूरे संसार में प्राकृतिक आपदाएं भेजी हैं, अगर उसने पूरे संसार में गरीबी भेजी है, तो वो हमें क्यों, परमेश्वर हमें क्यों उन लोगों के बीच में मदद करने के लिए हमें भेजेगा, क्यों वो अपने ही कार्य को नाश करेगा हमारे ही द्वारा। मेरे प्रियो, आप हो सकता है बहुत सारे परेशानी से गुजर रहे हो सकता है आप बहुत सारे फाइनेंस के स्थिति से, आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपने प्राकृतिक आपदाओं में अपने परिवार को खोया हो और हो सकता है कि आप अपने आप को ये दिलासा दिला रहे हैं कि ये परमेश्वर ने अलाउ किया है और इसमें एक बड़ी योजना है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं, वो दोषी नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको उसने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा है। मेरे प्रियो, इसमें कुछ भी सत्य नहीं कि परमेश्वर इन बातों को अलाउ करता है, इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। आपके साथ या फिर संसार के साथ जो कुछ भी बुरा होता है उसमें परमेश्वर का कुछ हाथ नहीं। वो आपसे प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि वो आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इन बुरी बातों को अलाउ किया है, इन प्राकृतिक आपदाओं को अलाउ किया है, इन आर्थिक स्थिति को अलाउ किया है, इस बीमारी को अलाउ किया है हमें कुछ सिखाने के लिए, तो ये ऐसे कहने का जैसा है कि जैसे आप कह रहे हो कि हमारे भारत में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं वो हमारे भारत सरकार की अनुमति के द्वारा घटती हैं। देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार जिसे भारत है वो प्रभुता करने वाली राज्य है और अपने अपने राज्यों में भारत प्रभुता करती है। हमारे संविधान को हमारी सरकार ने बनाया और उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया और उस संविधान की बातें, वो कानून को लागू करने के लिए उन्होंने ट्रेन लोगों को रखा ताकि वे लोग, वे ऑफिसर्स लोग नागरिकों पर ये कानून लागू करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तब भी हमारे भारत में बहुत सारे आपराधिक घटनाएं घटती हैं। अब जरा मुझे बताएं, क्या ये भारत सरकार की अनुमति के द्वारा होती हैं? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने संविधान बनाए, नियम कायदे कानून बनाए, परंतु तब भी हमारे देश में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। मेरे प्रियो, ये उन लोगों के कारण होता है जो लोग हमारे देश के कानून को मानना नहीं चाहते, उसके अधीन नहीं होना चाहते। वैसे हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटनाओं का जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, पर मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर प्यार करने वाला है। याद रखिए, जिस प्रकार सरकार हर एक व्यक्तिगत लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे ही परमेश्वर सभी व्यक्तिगत लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। परमेश्वर ने एक आत्मिक और एक शारीरिक नियम बनाए और उनमें से एक नियम है स्वतंत्र इच्छा। जी हाँ, स्वतंत्र इच्छा, और वो खुद भी स्वतंत्र इच्छा के विरोध में नहीं जा सकता क्योंकि उसने ये नियम खुद बनाए हैं। जी हाँ, यही सत्य है। अब कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि परमेश्वर मन बदलने वाला है, वो कुछ भी बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रिय, ये गलत बात है, इसमें ये कथन 100% सही नहीं है। परमेश्वर मन में बात जरूर कर सकता है परंतु वो किसी का मन नहीं बदल सकता। मन बदलने का कार्य है तो मनुष्य का है कि जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने उसके बाद वो मन बदले या ना बदले, ये उसका चुनाव है। उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने साउल को दर्शन दिया परंतु उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया। ये साउल का चुनाव था कि वो अपने मन को बदले।
उसने परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम को बुलाया, परंतु ये अब्राहम का चुनाव था कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे चले या नहीं चले। उसने गिदोन को बुलाया, ये गिदोन का चुनाव था कि उसके पीछे चले या ना चले। परमेश्वर ने किसी को भी दबाव में डालकर अपने पास नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस नियम को बनाता है वो उसके विरुद्ध खुद नहीं जाता। परमेश्वर आपके और हमारे स्वतंत्र इच्छाओं के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। उसने हमें स्वतंत्र इच्छाएं दी हैं। आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप बहुत सारे इस समय आप बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे मुसीबतों से गुजर रहे होंगे, आपके पास आशा नहीं होगी और आप शायद परमेश्वर को आज दोष लगा रहे होंगे। मेरे पास एक ऐसा समय था जब मैं परमेश्वर को दोष लगा रहा था, ये कह के कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वो चाहता तो रोक सकता था, अगर वो नहीं रोक रहा है तो इसमें उसका हाथ है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्यार करता है। आप जिस परेशानी से होकर गुजर रहे हैं उसमें परमेश्वर का दोष नहीं। और इस सीरीज में हम यही बात करेंगे, शायद मैं आज ये पूरे सीरीज को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, हम लोग नेक्स्ट सीरीज में भी जाएंगे, परंतु इस पूरे सीरीज में हम यही बात करेंगे कि इसमें आखिर किसका दोष है। और ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग आज इस टॉपिक को समझते नहीं हैं, परमेश्वर के प्रभुता को नहीं समझते, और हमने समझ रखा है कि यदि हमारे साथ में कुछ बुरा होता है तो ये परमेश्वर की ओर से है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है जिसने विश्वासियों को अपंग बना रखा है, क्योंकि शैतान को पता है जिस दिन आप को ये पता चल जाए कि ये परमेश्वर का दोष नहीं, तो आप बजाय परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय आप शैतान के पीछे तलवार लेकर जाएंगे। उसको पता है ये बात और इसीलिए वो नहीं चाहता है कि आप इस सत्य को जाने। परंतु मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप इस प्रोग्राम में जिसे इस बार आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप आने वाले समय में दूसरे प्रोग्राम को भी देखें इसी से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए, आप जाने इस सत्य को कि इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। आखिर इसमें किसका दोष है, यही जानने के लिए आपको उस पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से देखें और इसे अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि हम वो सिखा रहे हैं कि आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं। हम ये बात सब लोगों को सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे सत्य को पाकर आज़ाद हो सकते हैं। उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि हर एक बुराइयाँ जो आपके जीवन में आती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करता। अगर आपके पास सवाल हो सकता है, अगर ये परमेश्वर अलाउ नहीं करता है तो आखिर ये हमारे जीवन में घटती क्यों है? और ये बात आपको जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि इस पृथ्वी पर किसका अधिकार था, फर्स्ट क्या हुआ इस पृथ्वी के साथ में, आखिर यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा अधिकार क्या था, हम कौन हैं और हमारा अधिकार आज क्या है। इन तमाम बातों को आपको जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस संसार में जितने भी बुराइयां होती हैं और या हो रही हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य के अधिकार में दे दिया था। जी हाँ, यही सत्य है, परमेश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं, ये पृथ्वी मनुष्य को दी गई थी। परमेश्वर प्रभुता करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये नहीं मेरे प्रियो कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है इस संसार में, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। शायद आपने ये टर्मिनोलॉजी भी सुना होगा कि हम में से कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, हम उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। परंतु ये सत्य नहीं है, हम उसके हाथों की कठपुतलियाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, वो सब कुछ नियंत्रण नहीं करता। बाइबिल में आप कहीं नहीं पाएंगे कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है, बाइबिल में कहीं ऐसी आपको प्रॉमिस नहीं मिलेंगी। तो आपके जीवन में, आपके पड़ोसी के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जो कुछ हुआ या हो रहा है इसमें परमेश्वर का दोष नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आए हम एक वचन की ओर जाएं, वचन को देखेंगे और हम जानेंगे आखिर ये पृथ्वी किसका था और क्यों मैं रेवरेंड रिकी थापा आपको ये बताने में लगे हुए हैं कि इसमें परमेश्वर का दोष नहीं।
आए हम वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति एक उसका 26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आए हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 115 उसका 15 से 16। यहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 8 उसका 3 से 6। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसका शुद्धि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, ये सारी सृष्टि की, और ये सारे सृष्टि को उसने मनुष्य को दे दिया। मनुष्य जैसा हम पढ़ रहे थे भजन संहिता में कि उसने स्वर्ग तो अपने लिए रखी और पृथ्वी को मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। ये मनुष्य का अधिकार था कि उस पर अधिकार रखे, ये मनुष्य का अधिकार था कि उसको सुंदर बनाए रखें और उसको उसका देखभाल करें, ये मनुष्य का अल्टीमेट गोल था। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने आदम की रचना परमेश्वर के आराधना करने के लिए की थी। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ उत्पत्ति में लिखा है और कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएं ताकि वो पृथ्वी पर अधिकार रखे। हमारा जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन था मनुष्य जाति का, वो था पृथ्वी पर अधिकार रखने का। जी हाँ, तो कई लोग मुझसे बात करते हैं कि नहीं, हम लोग फिर आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो आराधना करना नहीं है, नहीं था इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने हमारा जब निर्माण किया, आदम का जब निर्माण किया, उसने उस पृथ्वी को उसके हाथों में दे दिया। और पता है क्या होता है, जब हम पृथ्वी का ख्याल करते हैं, जब आदम ने पृथ्वी का ख्याल करा, जब उसने इस पृथ्वी पर अधिकार रखा, उसने अच्छी बातों को देखा, और ये ऑटोमेटिक उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करने के लिए आदम को प्रेरित करता था। जब परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य सौंपा है, जब उसने हमें एक तोहफा दिया है, तो हम खुद ब खुद उसकी तारीफ करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, और यही मनुष्य का अधिकार था इस पृथ्वी पर। मनुष्य को परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी दे दी थी, उसके पांव तले उसने सब कुछ कर दिया था। ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत वचन है, हमारे जीवन की सच्चाई है। परमेश्वर ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया है। आपके आंसू का जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रिय, आपने जो कुछ खोया है उसका जिम्मेदार परमेश्वर बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन को देखें, इस प्रोग्राम को पूरा देखें, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें, और तब आपको पता चलेगा इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्य जाति को दी थी, परंतु मनुष्य जाति ने, आदम ने अपना सब कुछ, अपना अधिकार शैतान के पांव तले कर दिया।
इसमें परमेश्वर का दोष नहीं। अगर आदम चाहता तो वो स्वर्ग के समान इस पृथ्वी को रख सकता था, परंतु आदम ने अपना सब कुछ शैतान के हाथों में दे दिया। आदम ने सब कुछ अपना शैतान के हाथों में दे दिया। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ जो बुरा हो रहा है, उसने सब कुछ आदम के हाथों दे दिया था और आदम ने लालच में आकर सब कुछ उस दुष्ट को दे दिया। अब मेरा सवाल ये है आपसे मेरे प्रिय, आदम ने जो मुसीबत सही क्या वो परमेश्वर ने दी थी? आदम ने जो तकलीफ सहा क्या वो परमेश्वर की ओर से आई थी? वो सजा क्या परमेश्वर ने दी थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। परमेश्वर इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। परमेश्वर ने पहले से ही आदम को बता दिया था कि आज्ञा उल्लंघन खुद में मृत्यु को लेकर आएगी, परंतु आदम ने तब भी आज्ञा उल्लंघन किया। अब कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि कई लोगों का मानना ये कि परमेश्वर ने उस वाटिका में, अदन की वाटिका में आदम, हव्वा और इस पृथ्वी को श्रापित किया, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा विश्वास है परमेश्वर उस पृथ्वी, आदम और हव्वा को श्राप नहीं दे रहा था, परंतु उसकी आत्मिक स्थिति की सत्यता को प्रकट कर रहा था। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, अब से तू ये होगा और वो होगा। परमेश्वर उनकी आत्मिक स्थिति का व्याख्यान कर रहा था। पता है क्या, अगर परमेश्वर उनको श्राप देता तो उनको दया करके जानवर का खाल नहीं ओढ़ाता। उस समय भी परमेश्वर ने अपना प्रेम उन लोगों पर प्रकट किया। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। जब परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर आदम उसके सामने आया तो परमेश्वर ने उनकी आत्मिक स्थिति का व्याख्यान किया, न कि उनको श्राप दिया। परमेश्वर श्राप नहीं देने वाला, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर ने तो पृथ्वी मनुष्य जाति को दी थी और मनुष्य जाति ने ये पृथ्वी लालच में आकर शैतान को समर्पित किया। मेरे प्रिय, जब हम मती 4:8-9 पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और जब परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने उसको कहा, संसार का सारा वैभव दिखाकर ये कहा। आए हम वचन को देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब तक एक आदमी के पास नहीं हो तब तक वो दे नहीं सकता, और देने का अधिकार उसी के पास होता है जिसके पास रखने का अधिकार होता है। या थोड़ा इस पद पर ध्यान दें कि जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि ये सारा वैभव, ये सारा अधिकार मेरे पास है, मैं चाहूँ किसी को भी दे सकता हूँ, यदि गिर कर तू मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे दे दूँगा, इसका मतलब शैतान के पास देने का अधिकार था। इस पृथ्वी के क्या वैभव और इस पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु मसीह को देने का अधिकार शैतान के पास था। आखिर मेरा सवाल ये है, अब आखिर ये अधिकार शैतान के पास आया कैसे? आदम, जी हाँ, आदम के द्वारा ये अधिकार शैतान के पास आया। जब आदम ने अपने सारे अधिकार को उसके चरणों पर रखे तब शैतान को यह अधिकार मिला कि इस पृथ्वी पर वो राज करें। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में हर एक तकलीफ का जड़, मुसीबत का जड़, इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 5:12-17-19। मैं पढ़ता हूँ, कृपया करके आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया, तो भी आदम से लेकर मूसा तक
मनुष्य ने उन लोगों पर राज किया जिन्होंने उस आदम को उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज किया, लास्ट का पद है, मैं आधा पढ़ूंगा, क्योंकि एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देख रहे हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी थी और मनुष्य ने उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग अपने अधिकार को पाप करके शैतान के चरणों में डालने के द्वारा समर्पित किया। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं पड़ा कि जिस मुसीबत से आज आप जा रहे हैं उसमें ना उसमें परमेश्वर ने कुछ अलाउ किया है और ना वो परमेश्वर के हाथों से आई है। परमेश्वर भला है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने अपना सारा अधिकार आज्ञा उल्लंघन के द्वारा शैतान के चरणों में समर्पित किया। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा मनुष्य का प्रयोग करता है। वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर एक पाप में संसार का निर्माण करें, और जब कोई व्यक्ति अपने इच्छा को शैतान की इच्छा करके समर्पित करता है तो इस संसार में वो सब कुछ होता है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। वो संसार में वो सब कुछ होता है जिससे आपको तकलीफ़ होती है, जिससे आपके परिवार को तकलीफ़ होती है, जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं, जिससे मनुष्य जातियां ख़त्म होती हैं। वो सब कुछ होता है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। तो इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि जो लोग आज आप देख रहे हैं मर रहे हैं, इसमें परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि तो फिर इसका मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मैंने मान लिया कि ये तो मनुष्य के कारण होता है क्योंकि मनुष्य ने ये अधिकार शैतान को दे दिया था, परंतु प्राकृतिक आपदाओं का क्या? और यही जानने के लिए हम अगले बार वापस मिलेंगे, इसी विषय को आगे लेकर हम बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, जो भूखमरियाँ हैं, बीमारियां हैं, वो सब कुछ क्यों हैं, किसके द्वारा है, और हम जानेंगे। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अगले प्रोग्राम में वापस आएँ, अपने टीवी को ऑन करें सही समय में, अपने कंप्यूटर को ऑन करें सही समय में, ताकि हम इस विषय पर और चर्चा कर सकें, ताकि हम अब से परमेश्वर को दोष नहीं लगाएं, परंतु जो इसका दोषी है हम उसके पीछे पड़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम वापस फिर से अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। उससे जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हों और वो तमाम आशीष जो आपके लिए रुकी हुई हैं वो सब कुछ आपके जीवन में आए। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई और कृपा के लिए, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। इस समय जो लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम उनके जीवन में आशीष को बोलते हैं। उन्होंने जो प्रिय को अपने परिवार को खोया है और कई लोग हैं जो बीमारियों से गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम में उनके जीवन में चंगाई आए, उनके शरीर में चंगाई आने की आज्ञा मैं करता हूँ। जो लोग परिवार को खोए हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनके लिए मैं शांति की मांग करता हूँ यीशु ख्रिस्त के नाम में। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें ताकि वे समझ सकें कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप तो प्रिय परमेश्वर हैं। और इस समय मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में तमाम प्रकार के बीमारियों को, हड्डी के रोगों को, कैंसर, एड्स, मांसपेशियों के रोग, पैरालाइज, डायबिटीज, मैं आज्ञा देता हूँ इसी समय जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं यीशु ख्रिस्त के नाम में उनके शरीर को छोड़कर चला जा, तेरा कोई अधिकार उनके शरीर में नहीं है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।